हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग में दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, ग्रामीण परिवेश के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जल्दी जल्दी स्वयं आप सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे इस क्लास में जुड़ेंगे तो यह क्लास सभी साथियों तक पहुँच पाएगी। और जिस उद्देश्य से हम लोग इस क्लास का मतलब हम लोग इस क्लास को लाइव दे रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस क्लास पहुँचना चाहिए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, देश के ग्रामीण व शहरी। जी हाँ फ्रेंड, पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे चलिए। जी हाँ, देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कहाँ अधिक मृत्यु दर, जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर होती है। जी हाँ फ्रेंड, कहाँ पर अधिक मृत्यु दर, जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, आई होप सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। क्योंकि फ्रेंड देखिए, ऐसी स्थिति कहाँ पर होती है, जहाँ पर अभाव रहता है, जहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहता है। आप सभी को पता है कि सुविधाओं का अभाव कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। फ्रेंड, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पर अधिक मृत्यु दर, जन्म दर और शिशु दर भी होती है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर आ गया होगा तो आप इसका जवाब बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। जी हाँ, उत्तर का मतलब आप सभी को पता है, उत्तर में कौन सा देश है, आप सभी को पता है एक ही देश ही उत्तर प्रदेश से सीमा टच करता है। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, एक देश उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय मतलब सीमा जो उत्तर एक मतलब एक राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है, वो एक देश से साझा करता है, जिसका जवाब है नेपाल। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य है। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, केरल। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है, आयोग सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन है। जी हाँ, सर्वाधिक केसर जो होता है फ्रेंड, और यह आपकी जम्मू कश्मीर होता है। ये क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, केसर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो फ्रेंड केसर का वर्ती घाघर जो होता है, इसका यूज किया जाता है, मतलब इसका यूज किया जाता है केसर के, मतलब जिस पार्ट का हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं वह वर्ती का आग्रह होता है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कृषि में युग्म पैदावार से क्या आशय है। ठीक है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है, विभिन्न मौसम पर दो फसलें, एक ही साथ दो फसलें, अन्य फसलों के साथ एक ही फसलें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो युग्म पैदावार, युग्म मतलब जोड़ा होता है, अब कैसा जोड़ा होता है आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, कैसा जोड़ा होता है फ्रेंड, आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि युग्म पैदावार का मतलब होता है फ्रेंड कि एक साथ अगर आप दो फसलें पैदा करते हैं तो आप उसे हम कृषि युग्म पैदावार कहेंगे। इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एक ही साथ दो फसलें की पैदावार कृषि युग्म पैदावार कही जाती है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कपाट का संबंध है कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि एवं पारदर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, या ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी साथी इसका जवाब बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कारपाट का जो संबंध है फ्रेंड वह ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। आगे, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRPC। जी हाँ फ्रेंड, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP के अंतर्गत सुलभ शौचालय के निर्माण में सरकार कितने % खर्च वहन करती है, 60, 40, 80 या 100। बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय पर सरकार 80% खर्च करती है और 20% जो है वो राज्य की हिस्सेदारी होती है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है, भारतीय उद्योग को, भारतीय कृषि को, भारतीय मेट्रो नगर को, भारतीय ग्रामीण जीवन को। बताइएगा आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, कि भारत निर्माण का तात्पर्य किससे कहा जा रहा है, भारत निर्माण का मतलब किसको विकसित करने की बात हो रही है। तो फ्रेंड, भारत निर्माण का तात्पर्य है फ्रेंड कि भारत के ग्रामीण जीवन की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए भारत निर्माण की परिकल्पना बनाई गई है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने डी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब यही हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इस पर स्टार लगा सकते हैं, भारत निर्माण का संबंध भारतीय ग्रामीण जीवन से है। अगला,
लखनऊ में कौन सा अधिकरण है? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, डूडा है? बताइए भैया लखनऊ में कौन सा अभिकरण है? आंसर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है जल्दी से बताइएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे कि लखनऊ में कौन सा संस्थान है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए लखनऊ में नगर निगम है, बहुत बढ़िया, विकास प्राधिकरण भी है और डूडा भी है, मतलब बी सी डी, जी हाँ विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर ये तीनों संस्थान स्थित हैं इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे राज्यपाल के चुनाव संबंधित बातें हैं आपको देखना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष, बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता है, ये कोई बात मायने नहीं रखता। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए भाई एक दो चार कहाँ दिख रहा है? विकल्प नंबर सी दिख रहा है, विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या फ्रेंड विकल्प नंबर सॉरी यहाँ पर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, उसे जन्म से भारत का नागरिक होने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। और लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसी बात नहीं है, बाध्यता नहीं है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक दो चार इज राइट आंसर फ्रेंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आनंदीबेन पटेल ने दो राज्यों का कार्यभार संभाला था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो में, मतलब वो कार्यभार संभाली थी, इसलिए विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। एक दो चार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना अवधि का आपको जो है मैच कराना है, बताइए बताना है आपको। चलिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सुमिलित कौन सा है? अगला है सूची एक सूची दो, थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। 11वीं पंचवीय योजना 2007 से 12, बिल्कुल सही। 7वीं 85 से 90, 5वीं 74 से 69 और 4थी 69 से 74। बताइए भैया चौथा कह रहे हैं, चौथा वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड उसको उसकी बात ये कह रहे हैं कि क्या ग्रामीण पंचवर्षीय योजना है या अनाज की पैदावार में त्वरित वृद्धि, अनाज की पैदावार में त्वरित वृद्धि। चलिए इसको थोड़ा सा पहले इसका विकल्प देख लेते हैं। चलिए ये आपने देख लिया है, हाँ ठीक है, पहले 11वीं है, इसको चला थोड़ा नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 11वीं है, 7वीं है और 5वीं है, 4थी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं है, 5वीं है और 4थी है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या कह रहा है, थोड़ा इसको थोड़ा सा सही करते हैं। चलिए अनाजों की पैदा, चलिए इसको देख लेते हैं, आप लोग ऐसे देखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, 7वीं 85 से 90 और 5वीं है 74 से 69 और 4थी है 69 से 74। कह रहे हैं अनाजों के पैदावार में वृद्धि, त्वरित वृद्धि और उत्पादकता तथा क्षमता में सुधार पर जोर, और दूसरा है तीव्रतर विकास के साथ अधिक सहित समृद्धि की दो तरफा रणनीति। सर्वप्रथम उद्देश्य गरीबी हटाना, और डी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना। देखिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए इसको डिफाइन करना क्लियर नहीं हो पा रहा है सही तरीके से कि मेल करना है कौन सा संबंध किससे है। तो चलिए एक मैं आपको हिंट देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो तात्पर्य फ्रेंड वह है तीव्रतर विकास के साथ अधिक सहित की समृद्धि को दो तरफा रणनीति, मतलब विकल्प दूसरा जो इसका बिल्कुल सही है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का तात्पर्य फ्रेंड यह आपके सर्व प्रमुख उद्देश्य यह था गरीबी हटाने से, इसलिए विकल्प नंबर इसका बी वाला जो जवाब है बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ चलिए जी हाँ हाँ अनाज की पैदावार में त्वरित वृद्धि, चलिए सी इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आपका डाटा मैच नहीं हो पा रहा सही तरीके से, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, मैच करा लेंगे आप आगे चलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए हाँ आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई? हथकरघा विकास केंद्र, हैक यार्न प्राइम सब्सिडी, क्षिप्त ब्रांड योजना या उपयुक्त सभी? बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ तो भैया हथकरघा विकास योजना ये भी है, हैंड यार्न प्राइम सब्सिडी ये भी है,
और थ्रिफ्ट फंड योजना ये भी है, मतलब विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? आगरा इलाहाबाद, इलाहाबाद देहरादून, आगरा देहरादून और इलाहाबाद सहारनपुर। तो देखिए भैया इलाहाबाद तो है, अब दूसरा कौन सा ये आपको बताना है। इलाहाबाद तो है, एकदम श्योर है, ठीक है, इलाहाबाद आपको दिख रहा है, इलाहाबाद बिल्कुल सही बात है, इलाहाबाद है। और इलाहाबाद के बाद और कौन सा ज़िला है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, आगरा और इलाहाबाद ये अमरूद उत्पादन के लिए प्रमुख ज़िले हैं। ये जोड़ा बिल्कुल सही है, ये द राइट आंसर। याद रखेंगे इलाहाबाद आपने चुना होगा, लेकिन इलाहाबाद का सफ़ेदा अमरूद बहुत फेमस है फ्रेंड, और इसके साथ साथ आगरा भी अमरूद उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? फ्रेंड वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वादा कीमतों पर, या मंडी कीमतों पर? बताइएगा इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट कर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो याद रखेंगे फ्रेंड, वसूली कीमत सदैव बाजार कीमत पर, बाजार कीमत से कम पर की जाती है, बाजार कीमत से कम पर वसूली की कीमतें की जाती हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायतार्थ जो है लागू की गई थी? अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की योग, पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए, अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिसकी आयु 14 वर्ष है, और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अंत्योदय स्कीम की बात हो रही, अंत्योदय की बात करिए, अन्नपूर्णा की बात हो रही फ्रेंड, अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा का मतलब होता है फ्रेंड कि वृद्ध नागरिकों को जो वृद्धावस्था में पेंशन योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं है, उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना, या अन्नपूर्णा स्कीम की बात है। अंत्योदय का मतलब फ्रेंड निःशुल्क अनाज वितरण से कार्यक्रम से है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, देश के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? दलहनी, तिलहनी, फलों, या गन्ना? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आंसर आप लोग निश्चित तौर से सही कमेंट करेंगे। तो देखिए भैया, पहले पे तो खाद्यान्न फसलें हैं, तो खाद्यान्न का मतलब आपका यहाँ पर देखिए खाद्यान्न हो गया है, और दूसरे स्थान पर जिसको प्राथमिकता दी गई है फ्रेंड, दूसरे स्थान पर जिस फसल को प्राथमिकता दी गई है वह है तिलहनी फसलें, मतलब तिलहनी फसलों में जो है दूसरे स्थान पर उगाया जाता है, ठीक है, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का निर्धारण मानक क्या है? जिनकी वार्षिक आय 10,000 हो, 15,000 हो, जिनकी वार्षिक आय 10,000 हो, जिनकी वार्षिक आय 5,000 हो, या जिनकी वार्षिक आय का पता न हो। तो फ्रेंड, लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली का आधार जो बनाया गया वह जिनकी आय 15,000 रुपये से कम हो वह आधार बनाया गया, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वधारा योजना के लिए सत्य है? या सरकार के स्वामित्व में है, या केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, या केंद्र सरकार और स्थानीय सामुदायिक स्वामित्व में है? बताइए फ्रेंड, कौन सा विकल्प इस कथन की पुष्टि कर रहा है? जी हाँ, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। स्वजलधारा जो योजना फ्रेंड वह केंद्र सरकार तथा स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ओलेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर, या सेरी कल्चर? तो ओलेरी कल्चर इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, ओवेली कल्चर जो है, ओलेरी कल्चर इसका बिल्कुल सही जवाब है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बी द राइट आंसर, बी जिन्होंने कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्नों का कितना प्रतिशत योगदान करता है? 540%, 40%, 21.38%, या 30.38%? बताइए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्नों में कितने परसेंट का योगदान जो है करता है? फटाफट आंसर कमेंट में बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। फ्रेंड याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश देश की कुल खाद्यान्नों में 21.38% का योगदान करता है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था जिसमें चार कार्य योजना निर्माण किया गया, संसाधन व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन और गंभीर समीक्षा तय की गई थी? बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है। प्लानिंग कमीशन के बारे में बात है ये, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट सभी साथी।
आप सभी को पता है कि योजना आयोग जो है वह 1950 में लाया गया था, इस प्लानिंग को लाई गई थी, और 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है लागू किया गया था। इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में थी? तो जमींदारी की बात हो रही फ्रेंड, जमींदारी आप सभी को पता है कि जो जमींदारी भू व्यवस्था थी किसके शासनकाल में, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड कर्न। तो देखिए, मुनरो के काल में जो थी महलवाड़ी थी, सॉरी मुनरो के काल में जो है रैयतवाड़ी थी, और जमींदारी जो थी फ्रेंड वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय थी। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में जो है यह भू जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था का प्रचलन था। विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में खाद्य विकास निगम की स्थापना, जी हाँ फ्रेंड, खाद्य विभाग निगम की स्थापना FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष है? 1965, 1964, 1975, 1974। बताए फ्रेंड, भारत में खाद्य निगम, जी हाँ खाद्य निगम मतलब FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह 1965 में स्थापित किया गया था। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। आगे, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या गुजरात में? बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो भैया, महाराष्ट्र राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए फ्रेंड, दीवाने अमीर को ही इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो आप सभी को पता है कि दीवाने अमीर को ही यह नामक कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? आप सभी को पता है, सबसे सरल क्वेश्चन है इस सीरीज का, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित है। विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। तो ये था आज का आपका क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।